कहानी की शुरुआत में हम जूली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी अडल्ट स्टार बनना चाहती है। इसीलिए वो लॉस वेगास आई होती है और यहाँ वो एक एजेंसी में जाती है, जहाँ पर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है। वहीं पर हम बेयर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि जूली का डायरेक्टर होता है। दरअसल जूली का ये पहला शूट होता है, इसलिए बेयर उसको सारी बातें समझा रहा होता है। इसके बाद बेयर का असिस्टेंट एलेक्स जूली को वॉशरूम में जाकर खुद को अच्छे से साफ कर आने के लिए कहता है, और जब जूली वॉशरूम जाती है तो वो शूटिंग के बारे में सोचकर काफी डर जाती है। इसलिए वो वॉशरूम से बाहर आकर बेयर से कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। फिर बेयर उसको समझाते हुए कहता है कि शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तुम एक बार ये काम शुरू कर दोगी तो तुमको इसकी आदत लग जाएगी, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम शूटिंग करना चाहती हो या नहीं। फिर बेयर की बातें सुनकर जूली शूटिंग के लिए मान जाती है। इसके बाद अडल्ट वीडियो शूटिंग शुरू हो जाता है और जूली इस वीडियो में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बेयर और एलेक्स मिलकर जूली की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि पहली बार के हिसाब से जूली ने काफ़ी बढ़िया काम किया था। तभी जूली बेयर से कहती है कि अगर मुझे एक बड़ा अडल्ट स्टार बनना है तो इसके लिए मुझको क्या करना होगा। जिस पर बेयर उससे कहता है, इसके लिए तुम्हें बड़े बड़े स्टूडियो में काम करना होगा। इसके बाद बेयर जूली को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसको उसके घर छोड़ देता है। अब रात को हम जूली को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसकी रूममेट भी होती है और वो दोनों भी उसी की तरह अडल्ट स्टार बनना चाहती हैं। फिर अगले दिन हम जूली और उसकी दोस्त नताशा को देखते हैं, जो कि काम के लिए एक स्टूडियो में जाते हैं, और यहाँ पर आकर उन दोनों को पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर काम करने के लिए माइक नाम के एक एजेंट के थ्रू आना होगा। फिर हम अगले दिन उन दोनों को माइक के साथ देखते हैं। यहाँ पर उन दोनों का फोटो शूट होने वाला था। तब यहाँ पर जूली एवा नाम की एक लड़की को देखती है, जो कि काफी फेमस एडल्ट स्टार थी और सभी लोग उसको स्पिगलर गर्ल के नाम से जानते हैं। दरअसल स्पिगलर एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम है, जहाँ पर वो काम करती है। इसलिए एवा को यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और एवा को ऐसे देखकर जूली को काफी जलन होने लगती है और वो एवा की तरह ही अडल्ट स्टार बनना चाहती है। फिर मेकअप करते हुए जूली नताशा से पूछती है कि स्पिगलर गर्ल बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, जिस पर नताशा कहती है कि तुम्हें एवा की तरह बनने के लिए हर वो काम करना होगा जो कि आम लड़कियां नहीं कर पाती, और साथ ही तुम्हें हर रोज एक वीडियो शूट करना होगा, जिसके बाद तुम अपने आप ही फेमस होने लगोगी। अब नताशा की बात को सुनकर जूली एक फेमस अडल्ट स्टार बनने का ठान लेती है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद हम जूली और उसके दोस्तों को एक पार्टी में देखते हैं, और इस पार्टी में अडल्ट इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े चेहरे आए होते हैं। तभी जूली की नजर स्पिगलर कंपनी के मालिक पर जाती है, जो कि एवा के साथ इस पार्टी में आया था। जूली देखती है एवा और स्पिगलर जहाँ पर बैठे हैं वहां पर सिर्फ VIP लोग ही आ सकते थे। अब ये सब देखकर जूली के अंदर स्पिगलर गर्ल बनने का भूत सवार हो जाता है, और इन बातों को लेकर वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। और रात को ही वो घर से बाहर आकर वो स्पिगलर कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मैं स्पिगलर गर्ल बनना चाहती हूँ। लेकिन जूली को फोन पर बताया जाता है कि स्पिगलर गर्ल वही लोग बन सकते हैं जो लोग पहले से ही काफी फेमस हो, और साथ में उनको हर पोजिशन में परफॉर्म करना आना चाहिए, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर काफी अच्छे फॉलोवर भी होने चाहिए। लेकिन जूली के पास ज्यादा फॉलोवर नहीं होते और ना ही उसकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए स्पिगलर कंपनी के लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और ये सब सुनकर जूली काफी उदास हो जाती है। पर अगले दिन उसको शूटिंग के लिए एक हाई प्रोफाइल जगह के लिए बुलाया जाता है। जूली शूटिंग के लिए वहां पर पहुंच जाती है, जहां पर वो दो लोगों के साथ एडल्ट वीडियो शूट करती है। फिर शूटिंग खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर जाकर पार्टी करती है। उसके बाद अगले दिन माइक उसे फिर से उसे हाई प्रोफाइल वीडियो में काम करने के लिए कहता है, और साथ में उसे बताता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा रफ होने वाला है, जिसमें तुम्हारे बाल खींचे जाएंगे, तुम्हें थप्पड़ मारा जाएगा और तुम्हें काफी टॉर्चर किया जाएगा। अब ये सब जानने के बाद भी जूली इस वीडियो में काम करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम इस वीडियो का शूट देखते हैं। यहाँ पर जूली के बाल खींचे जाते हैं और उसको जोर जोर से मारा जा रहा था, जिसकी वजह से जूली को काफी दर्द होता है। इसलिए जूली शूटिंग के बीच में ही उनको रुकने के लिए कहती है,
और बीच में ही शूट छोड़ने की वजह से वो जूली को इस काम के पैसे भी नहीं देते। और जब माइक को इस बारे में पता चलता है तो वो भी जूली को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम जूली को देखते हैं जो काफी उदास हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से वो अपने सपने को पूरा करने का ठान लेती है। इसके बाद जूली इंटरनेट से एक अडल्ट कंपनी का नंबर लेकर उनको कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। वो लोग जूली से कहते हैं कि हम बिना एजेंसी के किसी को काम नहीं देते। फिर जूली उनसे कहती है कि मैं आपके लिए फ्री में काम करने वाली हूँ, जिसको सुनकर कंपनी वाले जूली को काम देने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद हम जूली को उसी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उसको दो अफ्रीकन लोगों के साथ ये वीडियो शूट करना था। फिर जूली किसी तरह ये वीडियो शूट कर लेती है और कुछ ही दिनों में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। फिर वीडियो वायरल होने के बाद जूली स्पीगलर से मिलने के लिए पहुंच जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हूँ, जिस पर स्पीगलर जूली से कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जिसे सुनकर मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर स्पीगलर गर्ल बनने का जुनून है। जिस पर जूली कहती है कि मैंने हाल ही में एक रफ वीडियो में काम किया है जिसमें मैंने दो अफ्रीकन आदमी के साथ शूटिंग की है और वो वीडियो एक ही हफ्ते में काफी ज्यादा वायरल हो गया था और जिसकी वजह से मैंने सोशल मीडिया के फॉलोवर भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और ये सब मैं पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने मजे के लिए कर रही हूँ, ताकि जब भी लोग मुझे स्क्रीन में देखें तो खुद को कंट्रोल ना कर पाए। तब जूली की ये बातें सुनकर स्पीकलर काफी इम्प्रेस हो जाता है और जूली को अपनी कंपनी में रखने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम जूली को इस कंपनी के एक अडल्ट वीडियो में शूटिंग करते हुए देखते हैं। अब जूली को काफी ज्यादा काम मिलने लगा था और वो स्पीगलर के लिए बहुत वीडियो शूट करने लगी थी और काफी कम समय में वो स्पीगलर गर्ल बन जाती है। फिर जूली के काम से खुश होकर स्पीगलर उसको एक घर गिफ्ट करता है। इसके बाद जूली नताशा को भी अपने घर में ले आती है और स्पीगलर से रिक्वेस्ट करके उसको भी एक वीडियो में काम मिलवा देती है। लेकिन शूटिंग के टाइम उनको पता चलता है जो आदमी उनके साथ शूट करने वाला था वो आज नहीं आ सकता, इसीलिए एक्सल नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है। पर एक्सल को देखकर नताशा को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो एक्सल को पहले से जानती थी। दरअसल एक्सल काफी गुस्से वाला होता है और एक वीडियो शूट करते हुए उसने नताशा को काफी ज्यादा मारा भी था। अगर उसने एक्सल के साथ ये शूट किया तो वो दोबारा से मारपीट कर सकता है, इसलिए नताशा ये शूट करने से मना कर देती है, जिसको सुनकर जूली से समझाने लगती है कि तुम ऐसे परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमको बस इस शूट के कंप्लीट होने तक ही उसको झेलना पड़ेगा। अब जूली के रिक्वेस्ट करने पर नताशा वीडियो शूट के लिए मान जाती है, लेकिन शूट के दौरान एक्सल नताशा को काफी ज्यादा मारता है, इसलिए नताशा डायरेक्टर से एक्सल की कंप्लेन करने लगती है। लेकिन जूली नताशा का साथ नहीं देती और वो अपना करियर बनाने के लिए नताशा पर ही झूठा इल्जाम लगा देती है और जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूली को एक लेस्बियन वीडियो में एवा के साथ काम करने का मौका मिलता है और जूली पहले से ही एवा से जलती थी, इसलिए वो इस वीडियो के जरिए एवा पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देती है और शूट करते हुए एवा के साथ काफी ब्रूटल हो जाती है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद एवा ऐसा दिखाती है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। इसके बाद हम जूली को एक पार्टी में देखते हैं। वो स्पीगलर और एवा के साथ वीआईपी जगह पर बैठी होती है, लेकिन यहाँ पर उसको काफी अकेलापन महसूस हो रहा था और वो काफी उदास भी लग रही थी क्योंकि उसने अपना सपना तो पूरा कर लिया था, लेकिन इस सबसे उसको जरा भी खुशी नहीं मिल रही थी। उसके बाद पार्टी से वापस आते समय जूली रास्ते में गाड़ी को रुकवा कर वहां से उतर जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जूली ने स्पीगलर की कंपनी को छोड़ दिया है क्योंकि वो फेमस होने के बाद काफी अकेली हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।